हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द चैनल। सो आज हम देखने जा रहे हैं, मेरे हाथ में पहले आप टिकट देख लें, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का सेकंड ओडीआई, और ये जो फर्स्ट वन है मेरे साथ, अपना नाम बता दें। उमर भाई जी, इनको तो आप जानते ही होंगे जिस तरह इनका डायलॉग है। और ये आज हमारे साथ एक नया चेहरा है, अपना नाम बता दें। सलमान डॉन, सलमान खान, सलमान राजपूत। सो आपको आज हम आए हैं दूसरा वनडे मैच देखने आए हैं, ठीक है। पहले हमने देखने आना था पहला वनडे, ठीक है। तो मेरा वजन थोड़ा ज़्यादा है और मैं चल रहा हूँ साथ साथ, इसलिए मुझे ना सांस फूल रहा है, आपका सांस फूल रहा है। अच्छा, मेरी शर्ट येलो है तो इसलिए इसका मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। और उमर भाई आपकी वाइट है, आप टेस्ट मैच देखने आए हैं। उसका हेड काट देना, वो हेड जो है ना वो इंशाल्लाह मैन ऑफ दी सीरीज आएगा, जो जीप खड़ी है ना अंदर वही लेके जाएगा। चले देख लेते हैं। वैसे मैं तो सपोर्ट करने में इफ्तिखार अहमद को, क्योंकि अब उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। मेरा ख्याल है कि मिसबा से भी वो बड़ा है, और मिसबा के बचपन से उसके साथ खेल रहा है, और अभी तक उसने पाकिस्तानी टीम की जान नहीं छोड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कि उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छा खेलेगा। यार ये टिकट सेकंड ओडी आएगी, और ये हम काफ़ी स्टेडियम में एंटर हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा चल के आगे जाना पड़ेगा, और ये जो आपको छोटी मोटी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। पीसीबी की तरफ से ये फ्री हैं वैसे आवाम के लिए, और ये लोग जो हैं हड हरामी करते हैं। और हाँ, सब के लिए शटल सर्विस है, लेकिन ये कहते हैं कि फैमिली के लिए। और इस तरह जो हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये दुख की बात है। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी ये सामने क्राउड देखने जा रहा है। हाँ, क्राउड जा रहा है और हम भी क्राउड का हिस्सा, हम भी अंदर जा रहे हैं। पीटीआई का जलता झंडा भी अंदर ले जाने देंगे, और बाकी सारे भी झंडे ले जाने देंगे, सिर्फ मुस्लिम लीग नून का नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि उससे इनको ज़रा ख़ास नफरत है। और बड़ा दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि सारी गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं। लास्ट टाइम हम टेस्ट मैच भी देखने आए थे, तो ये गाड़ियाँ जो हैं जी गेट नंबर 5, और ये है गेट नंबर 4, और हमने जाना है गेट नंबर 5 पे। चल हाँ जी सर। हाँ भाई, आप एक्साइटेड हैं? भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वनडे मैच पहले मैंने नहीं देखने आया, T20 और टेस्ट देखने आया हूँ। क्योंकि अगर पाकिस्तान हार गया तो फिर लास्ट वाला वनडे देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आवाम आएगी भी नहीं देखने के लिए। चलिए अभी चेकिंग हो रही है, और उसके बाद आप सीधा स्टेडियम के अंदर जाएंगे। निशानी भी लगा दी लाई है वड्डी दा आने लिए ना। अरे भाई बाहर जान लगे ना, सानू कोई रोके ना, फिर वाशरूम करने जाना। वो शॉट है यार, सेंचुरी 100।
फखर आखिरी फैसला अफगानिस्तान में रहते हो बताओ तो सही आपकी शक्ल क्रिस ग्रीन से मिल रही है ऑस्ट्रेलिया तो है आप दोनों मैच के दौरान बोल अल्लाह खैर एड्डा वड्डा मुंह माने आप बोलते क्यों नहीं मैच के दौरान बारिश पड़ी यार हमें दुख लगा हुआ है आपको कि पाकिस्तान वाकई ना हार जाए बारिश पड़ी है नहीं वैसे मुझे लग रहा है तू बोर हो रहा है सुबह ऐसी बात तो नहीं है नहीं हाँ इंजॉय हो रहा है नींद आई भी आंखें भरी हुई है तेरी फुल इधर देखो जरा अपनी आंखें दिखा दो वो देखो रेड हुई है ये पता नहीं अब बाबर की 50 का नशा है या मिलन का नशा है पिया शिया करते हुए चक्कर है रिंग मारने वाला दी यार कैसा मुंह तू बनाया जो 500 पे आ गया वापस यार गद्दारी कर रहे हो उमर गद्दारी कर रहे हो इन्होंने मैं क्या कह रहा हूँ इन्होंने बाजे बंद कर दिए बैन कर दिए तो जरा पता नहीं आ रहा मैं यार बाजे बैन हो गए इसकी पता नहीं क्या वजह आज बाबर आजम की सेंचुरी मैंने भी देख ली अपनी ज़िंदगी में अब पाकिस्तान के थोड़ा ही स्कोर रह गया कितना रह गया मेरे ख्याल 53 रह गया इंशाल्लाह पाकिस्तान जल्दी चेज कर यार जरगा मेरे सुनने में तेरे दिल का अरमान था बाबर आजम के लोग देखे लाइव ऐसे ही है यही बात है बस इंशाल्लाह अभी 5 स्कोर रह गया बाबर आजम का इंशाल्लाह अभी आप वीडियो बनाएंगे हाँ क्या
फिर देखेंगे यार। मान लिया आपकी भी विश थी कि बाबर सो करे आपके सामने। हाँ जी। उमर यार ये बंदा बाबर के वैसे ही बड़ा खिलाफ है और आज बाबर शो कर रहा है और इसके मुंह पे 12 बल्कि 12:30 बजे हैं। भाई आप बाबर के फैन है? नहीं। सेवेज रिप्लाई, सेवेज खान बाबर के फैन हो बाकी में देख लो बाबरा शरीफ के फैन तो से आगे से पीछे। बाबर 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 नहीं नहीं नॉट और हम बाहर से कॉल करते हैं। डराइए तो ना, डराइए तो ना। बाबर 96 97 हो गया बाबर का 97। यस 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 बाबर 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 ओ बाबर भाई ने क्या चवल मारी है पूरा हो गया यार। आई लव यू सरगाम। इफ्तिखार चाचू कोई गल नहीं यार। पीछे मुंह करके बजाना जब बजाओ
इफ्तिखार फिनिशर आया, इफ्तिखार फिनिशर। और ये मैच के आखिरी लम्हात सारे बाहर जा रहे हैं ऐसा ऐसा ताकि रश से बचा जाए, और हम थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ी अपनी तस्वीरें वगैरह पिक्चर वगैरह लेंगे, ये ज़रा रश कम हो जाए। आवाम सारी बाहर जा रही है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीत चुका है। पाकिस्तान ने 349 का टारगेट चेज़ किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान ने इतना टारगेट चेज़ किया है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वरना पिछले मैच को देखे तो लग रहा था कि पाकिस्तान आज भी 150-200 पे आउट हो जाएगी। ज़बरदस्त मैच रहा है, बड़ा ही मज़ा आया, बहुत आला, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये भाई ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर थे, लेकिन फाइनली पाकिस्तान जीत गया इनके 12 बजे में। पता नहीं इन्होंने कोई शर्त वगैरह लगाई हुई थी किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इतना रश, इतनी भाई के इतना रश, या तो सिर्फ रमज़ान में मस्जिद में होता है और या फिर पाकिस्तान के मैच में। ओहो, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक भाई के खड़िया बंदेरा है, मैं आपको जूम करके तो नहीं इतना दिखा सकता। सो यहाँ से हम लेते हैं आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। हमें आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।